सभी का स्वागत है और अब बात विधानसभा सत्र की। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये पहला सत्र होगा, लिहाजा इसके हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। तो बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीजेपी शैडो कैबिनेट तैयार कर सकती है। क्या होती है शैडो कैबिनेट और कैसे इसके तहत जिम्मेदारी दी जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के हौसले सातवें आसमान पर है। राजस्थान में 25 सीटें जीतने के बाद बीजेपी अब विधानसभा के सत्र में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसके लिए ठोस नीति को अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया है। हर बार बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए शैडो कैबिनेट का सिद्धांत अपनाया है। इस बार भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। हम आपको बता दें कि शैडो कैबिनेट पश्चिमी राष्ट्रों से लिया गया सिद्धांत है, जहां विपक्ष दल सत्ताधारी दल के मंत्रियों को उनके विषय में घेरने के लिए शैडो कैबिनेट बनाते हैं। इसके तहत जो विपक्षी नेता जिस महकमे में माहिर होता है उसे वही महकमा दिया जाता है और विषय में पारंगत होने के कारण वो विपक्षी विधायक सत्ताधारी दल के मंत्री को ज्यादा अच्छी तरह घेर सकता है। पहले भी प्रदेश बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए शैडो कैबिनेट बनाई थी, इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। हालांकि पिछले राज के कई मंत्री चुनाव हार गए थे, लेकिन कई पूर्व मंत्री इस बार विधायक बन गए हैं। साथ ही नए विधायकों को भी उनके अनुभव के मुताबिक जिम्मेदारी दी जाएगी। शैडो कैबिनेट के मुख्य क्षेत्रप होंगे वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़। वही हम आपको बताते हैं कि जिन्हें शैडो कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है वो कौन कौन है। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष गृह जेल विभाग आपदा प्रबंधन ग्रामीण विकास। राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष ग्रामीण विकास व पंचायती राज, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी संसदीय कार्य। कैलाश मेघवाल गृह और सामाजिक न्याय अधिकारिता। कालीचरण सराफ चिकित्सा और स्वास्थ्य। किरण माहेश्वरी उच्च शिक्षा और जलदाय। नरपत सिंह राजवी उद्योग वित्त। वासुदेव देवनानी शिक्षा अल्पसंख्यक मामला। पुष्पेंद्र सिंह ऊर्जा। अनीता भदेल महिला और बाल विकास। सतीश पुनिया कृषि राजस्व पशुपालन। अशोक लाहोटी यूडीएच आईटी सूचना प्रौद्योगिकी। रामलाल शर्मा यूडीएच खेल युवा। सूर्यकांता व्यास यूडीएच कला संस्कृति। मदन दिलावर सामाजिक न्याय और अधिकारिता। प्रताप सिंह सिंघवी नगरीय विकास सहकारिता। चंद्रकांता मेघवाल जलदाय नगरीय विकास। जोगेश्वर गर्ग खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग गोपालन। ज्ञानचंद पारख चिकित्सा और स्वास्थ्य। अमृत लाल मीना जनजाति विकास। फूल सिंह मीना जनजाति विकास। मोहन राम चौधरी सहकारिता। विठल शंकर अवस्थी उद्योग। संजय शर्मा श्रम आयोजना स्टेट मोटर गैराज। सुमित गोदारा कृषि सहकारिता। बिहारी लाल विश्नोई कृषि सहकारिता। मंजीत चौधरी रोजगार। चंद्रभान आक्या खनिज। अशोक डोगरा खनिज। राम प्रताप कासनिया INGP सिंचाई। अभिनेश महर्षि तकनीकी शिक्षा विधि आबकारी। नारायण सिंह देवल पर्यटन देवस्थान। हमीर सिंह भायल अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड। निर्मल कुमावत पर्यटन कला संस्कृति देवस्थान। धर्मेंद्र कुमार INGP मत्स्य पशुपालन। अविनाश गहलोत युवा कौशल नियोजन खेल। नरेंद्र नागर खनिज वन और पर्यावरण। संदीप शर्मा सहकारिता। सुभाष पुनिया सैनिक कल्व्या। यानी इन बीजेपी नेताओं को शैडो कैबिनेट में जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी को अंदाजा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह हुई है और कुछ मंत्रियों ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। ऐसे में बीजेपी बिना कोई मौका गवाए कांग्रेस सरकार को विधानसभा के सदन के अंदर घेरने से नहीं चूकेगी। वहीं मंत्रियों को टारगेट करने के लिए किसी एक विषय में एक्सपर्ट माने जाने वाले बीजेपी विधायकों को मोर्चों पर उतारा जाएगा। शैडो कैबिनेट में शामिल मंत्री अपनी तैयारी के जरिए मंत्रियों के ऊपर सदन में दबाव बनाने का काम करेंगे और जनता के बीच विधानसभा के जरिए संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अभी बीजेपी ने शैडो कैबिनेट का विधिवत गठन नहीं किया है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके तहत बीजेपी के नए विधायकों को अनुभवी और पूर्व में मंत्रियों के साथ एडजस्ट किया जाएगा, जिससे वो भी पारंगत बन सके। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन्हें मौका भले ही पहली बार मिला, लेकिन वो सियासत के धुरंधर पहले से ही कहे जाते हैं।
लिहाजा उन्हें विभिन्न महकमों में उनकी रुचि के मुताबिक तैयारी के लिए कहा जाएगा। विधानसभा के भावी सत्र में बीजेपी का ये नया दांव देखने को मिल सकता है। वहीं वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में बीजेपी के जुबानी प्रहार सदन के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो अपराध हो या फिर रोजगार। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।